नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत के खुद को बेताज बादशाह मानने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर अपनी चतुराई से सियासी बिसात पर खुद को साबित करने की राह पर है। इंडिया गठबंधन से सपा को कोई खास जगह नहीं मिली कई राज्यों में, तो अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति से झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन को सियासी मोहरा बना डाला। महाराष्ट्र और झारखंड में अखिलेश यादव ने जो दाव खेले हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से नदी के बहाव के खिलाफ नाव चलाने जैसे हैं। उन्होंने क्या किया है, चलिए आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने झारखंड में अपनी पार्टी की ताकत दिखाने के लिए वो कदम उठाए जो कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के लिए सरदर्द बन सकते हैं। कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन को कमजोर करने के लिए सपा ने यहाँ 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और ये चुनावी दाव कोई साधारण दाव नहीं है। अखिलेश यादव ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए जो आम मुस्लिम और ओबीसी समुदाय का असर है, यानी कि वो वोट बैंक जो इन दोनों दलों के लिए अहम है और सपा की ताकत है। सपा ने झारखंड में आरजेडी, कांग्रेस और बसपा के बागी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें टिकट दे दिए हैं। गिरिनाथ सिंह, ममता भुइयां और कमलेश यादव जैसे दल बदलू नेता सपा के झंडे तले चुनावी मैदान में हैं। ये वही नेता हैं जिनके पास इन सीटों पर असरदार वोट बैंक है। सपा ने नेताओं के जरिए कांग्रेस और जेएमएम के घर में सेंध लगा दी है, जिससे इन दलों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। अगर इन बागी नेताओं ने सही से वोट कैश कर लिया तो कांग्रेस और जेएमएम के लिए अपनी सीटें बचाना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति के कद को केवल यूपी तक सीमित न रखकर झारखंड में भी एक सियासी भूचाल पैदा करने की तैयारी की है। अगर उनका ये दाव सफल हुआ तो इंडिया गठबंधन के लिए झारखंड में संकट पैदा हो जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।